सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की प्यार भरी राम राम। और हम मौजूद है हरियाणा के बड़े भाई पंजाब में। तो जैसे कि आपको पता है कि हरियाणा का बड़ा भाई है पंजाब। और आपने एक मसाले दिखते होंगे, दरे दिखन लग रहे, लाइन में मसाले दरे हैं। तो हमारे बड़े बुजुर्ग कह आकर बड़े बूढ़े कह आकर अख किसी की भी दिल का रास्ता उसके पेट तक होकर जावा है। तो मतलब खाना अच्छा खाओगे तो दिल भी अच्छा रहेगा और स्वस्थ भी स्वस्थ रहेगा। तो ये सारे मसाले आपने दिखना अगर यार कोई भी आपने पंजाब में आ रहे हैं, पंजाब में इसी चीज़ नहीं छोड़ेंगे अड़े आके हमारे दर्शकों ने ना बेरा पट्टा उसके बारे में। तो सारी चीज़ धीरे धीरे करके सारी मशीन जो भी पंजाब में नई मशीन बनाई गई है, नए कारनामे अड़े करे गए हैं, तो सारी धीरे धीरे करके दिखावेंगे। तो आपने ले कर चल लेंगे ये मसाले पीसने की मशीन के पास में, क्योंकि देखो जब तक खाने में खुशबू नहीं होगी, महक नहीं होगी, स्वादिष्ट नहीं होगा, तब तक खाने का भी कोई फायदा नहीं होता। तो हम ये दिखाओगे तुमने कि क्यों करिए पीछे जा, क्योंकि देखो जो हम खाना बना हुआ है खाने में साबते मसाले इस्तेमाल नहीं हो सकते, तो मसाला ने पीसना पड़ा है। हर मसाले जो बड़े हार्ड हुए हैं तो आते भी शायद ना पिसे, पहले तो पीस लिया करते आता है, लेकिन ये नई टेक्निक आ गई है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो यह सारी चीज़ हम दिखाओगे। और एक चीज़ है, मतलब ये देखो एक बारी घुमाओ, ये चक्की देखने लग रहे हो, पहले आया करती चाकी, एक पुराने टाइम होया करती पट्टा की चाकी, जिससे बड़ी बुढ़िया बैठ के बेचारी दो दो तीन तीन घंटे पीछे जाया करती, दो दो दाने जाया करते, दुखी होया ही रहा करती, जिवे किलो दो किलो चून पिसया करती और जब जाकर घर के उन्हें खाया करते। उसके बाद फिर बिजली की चाकी आएगी, लेकिन उनका भी मतलब ये चाकी उन तभी ऊपर है, आजकल चल रहे भी हैं, लेकिन ये चाकी देखो ना स्टील की दिखेगी आपने, ना तो जर लागण का भय, ना किसी और चीज़ का भय। और एक इसी चीज़ बना दिया अब, मतलब घर में दरी ये बेरा जो नई मतलब नई जनरेशन है, वे चाकियाँ नहीं बाहर दरवाजे हैं, कहेंगे ना भीतर को ना बढ़िया लगती बाहर टेक दो। तो मतलब ये चाकी सी आ गई स्टील की सूतरी लागण की, अलमारी की दरिया एक कोने में दरी रहेगी, मतलब बूंदी भी नहीं लगेगी, सूतरी लगेगी दरी, तो घर में कितने भी धर लो इसने कोई सी दिक्कत ना है। कोई भी बाहर का मेहमान आवा है या कोई भी आवा है तो उन्होंने कहने की नौबत पड़ेगी अक भी के धर रहे हो भीतर। तो यह एक बहुत बढ़िया चीज़ है, अलमारी की तरिया है। और ये आप क्यों काम करा है सारी चीज़ दिखाऊंगे, लगातार आपने तीन चार लगातार लाइन में दिखा है, तो ये नहरा नहरा काम करती होंगी, नहरी नहरी इनकी मोटर होंगी, नहरा नहरा इनका काम पाओगा, क्योंकि देखो देखी जरूर है लेकिन हमने इनके बारे में इतनी जानकारी नहीं है कि ये नहरी नहरी क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि किसी में छोटी मोटर पाओगी, किसी में बड़ी मोटर पाओगी। और ये आटा भी पीसा है और चून का तो तुमने बेरा है, आटा कह लो चून कह लो हर घर में जरूर तो है, तो चून पीसेंगे तो खा लेंगे ना भूखे रह लेंगे। और ये मतलब एक जो अपना सबका गांव में ला लो या शहर का ला लो, चाहे ऊंचे मकान ला लो चाहे छोटे ला लो, लेकिन सब ने जरूर तो है आटे की। तो कोसे भी उसमें चले जाओ, स्टेट में चले जाओ, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, मतलब हमारे पूरे इंडिया में गेहूँ की जो वो है पिसाई हुआ है और जो गेहूँ खाया जाए वो सारे का खाया जा है। तो इस मशीन की, इस चक्की की सब ने जरूरत है। तो एक बार इस तरह मतलब जो हमारे साथ में है राहुल सर, उन तक पूछेंगे जानेंगे या किस प्रकार से यह काम करा है। तो राम राम राहुल सर। राम राम जी, नमस्कार दोस्तों। राहुल सर ये मतलब तीन चार चाकी लाइन में दिखा है, दो चार पाँच है जी। तो ये तो मतलब चाकी समझ मावा पर ये डब्बा के है, ये जिसको आप कह रहे हैं ये देखने में आपको एक वुडन कैबिनेट का फ्रिज लग रहा है, लेकिन ये असल में एक आटा चक्की है। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे एक शोकेस है या अलमारी रखी हुई है, आप अगर इसको ध्यान से देखें तो ये एक आटा चक्की है। ये जो हमारे घरेलू काम के लिए 1 HP की सिंगल फेस कॉपर वाइंडिंग की मोटर में डोमेस्टिक आटा चक्की कहा जाता है इसको, इसमें हमने साथ में सेफ्टी फीचर भी लगाए गए हैं। सबसे पहली बात तो ये जो लकड़ी की बॉडी है देखने में बहुत सुंदर लगती है, कहीं पे भी आप इसको रख सकते हैं। जब आपने इसका स्विच ऑन कर दिया ये चक्की तब तक नहीं चलेगी जब तक इसके बीच में दाने नहीं आएंगे, बिना अगर दाने आप चलाओगे भी ऑटोमेटिक काम करेगी। बिल्कुल जी, ऑटोमेटिक काम करेगी, जैसे ही दाने जाएंगे तभी ये चक्की चलेगी। मैम ये आपका हल्दी या लाल मिर्च को छोड़ के बाकी किसी किस्म का अनाज है वो सभी ये पिसाई होगी। सारे अनाज ने पीस रहे। बिल्कुल जी। पर सर मैंने तो एक चीज इसकी बहुत बढ़िया लगी है, बंद करके देखो ना मेरा पत्ता चाकी भी है के। मैम देखने में वही है, इसका नाम ही वुडन कैबिनेट में रखा गया है। सेकंड जो फीचर मैंने आपको बताया वो ये है कि अगर चक्की चल रही है अचानक हम ये आगे से दरवाजा खोल भी देंगे तो ऑटोमेटिकली ये चक्की बंद हो जाएगी। सेकंड इसमें सेंसर यहाँ पे लगाया गया है। तो मतलब यह चाकी आप देखने लग रहे हो मतलब एक बहुत बढ़िया दरी भी गर्म स्त्री लग गया। पहले के था पहले कच्चे घर होया करते नहीं, हमारी चाकी दरी रहा करती चले जाया करती, और पहले थोड़ी ही कोने इतनी वो करया करते। तो मतलब ईब के है ईब जो वे चाकी होया अगर पट्टा वाली उन नगर अदर कर अजी कोने कहेंगे गेर में दर दो कि तो और दर दो क्योंकि सुतरी कोने लगती दरी। तो यह चाकी तो सर न्यू मेरा पट्टा चाकी है के।
ये देखने में जिसको आप कह रहे हैं ये 100% आटा चक्की का ही काम करेगी और इतना बढ़िया आटा निकालेगी कि आप खुद कहेंगे कि मार्केट के क्वालिटी से भी बढ़िया आटा इसमें निकलता है। तो सर ये क्वालिटी आप बता रहे हो तो सर एक बार प्राइस भी आज साथ में बताते चलो। बिल्कुल जी, आइए जी मैं आपको अब इसका प्राइस भी बताता हूँ। जो ये सिंगल फेस में 1 HP की डोमेस्टिक आटा चक्की है इसकी कीमत है 22,000 रुपया। इसके लिए आपको 4,000 कंपनी के करंट अकाउंट में एडवांस डालना है बुकिंग के लिए। तो मतलब आपने गेल की गेला प्राइस भी बताते चलेंगे, ये अभी समस्या आपकी गेला गेला सोल्व करते चलेंगे, तो ये दूसरी बताना सर। और उसके बाद मैं इसकी प्रोडक्शन भी आपको बता देता हूँ। ये प्रति घंटे 10 से लेकर 11 KG इसकी आउटपुट प्रोडक्शन निकलती है। 1 घंटे में 10-11 KG ये आटा निकाल देती है। बिल्कुल जी। और सर लगातार कितने घंटे काम कर सकते हैं? मैम जैसे कि आपको बताया इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, इनको आप लगातार 3 से 4 घंटे चला के 10-15 मिनट का गैप दीजिए, उसके बाद फिर कंटिन्यूअसली इनको चला सकते हैं। सर कितना परिवार मतलब क्या सदस्य का परिवार आराम से बैठ कर खास कर इसमें? मैं आप लगा के चलिए 10 KG अगर 1 घंटे का निकलता है, आप 8-10 बंदों का परिवार भी है तो बहुत आसानी से इससे काम चला सकते हैं आप। मतलब एक बड़ी फैमिली भी इसने बहुत आसानी से इसको चला सकते हैं आप। तो सर ये और बताओ ये दूसरे वाली। मैम इसके बाद जो आ जाती है ये हमारी जो स्टील बॉडी में है, जैसे कि आपको बताया जो 1 HP वाली में है उसमें हल्दी या लाल मिर्च की पिसाई नहीं होती है। तो अब कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट आती थी कि वो हल्दी लाल मिर्च या दालचीनी जैसे मसाले भी पीसना चाहते थे, तो उसके लिए हमने ये मॉडल तैयार किया है। ये 2 HP की सिंगल फेस कॉपर वाइंडिंग मोटर में है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो हमने MCB स्विच भी लगाया गया है और साथ में एम्पियर मीटर भी लगा है। MCB स्विच का बेनिफिट ये है कि कल को पीछे से अगर वोल्टेज कम ज़्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये स्विच कट ऑफ हो जाएगा, इससे आपकी मोटर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये जो 2 HP की चक्की है इसकी अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो 20 से लेकर 22 KG प्रति घंटे की इसकी प्रोडक्शन है। इसकी कीमत है 27,000 रुपया। इसके लिए आपको 5,000 एडवांस कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। मतलब सर एक बात बताओ ये सारी चक्की बाकी मसाले पीसते हैं छोड़ कर? बिल्कुल जी। तो सर मसाले तो बहुत ज़रूरी है मैम। इसमें मसाले जैसे अगर आपका धनिया हो गया, काली मिर्च होगी वो पिसाई होगी, हल्दी अगर आपने करना है तो बिल्कुल बारीक टुकड़ों में आपको तोड़ के डालनी पड़ेगी अनाज की तरह। बिल्कुल जी। और ये देखो ये जो दे रखा है ना इसमें डम लाइट आ जाए फुल लाइट आ जाए ज्यादा तो ये आप कट मार जाएगा, इसलिए ना सर तो MC अपने आप पड़ जाएगी मोटर जलन जालन का कोई बैक होना है। तो सर एक बाकी के बारे में और बताइए मैम। 2 HP के बाद आ जाती है 3 HP। 3 HP में मेरे पास ये 2 मॉडल है। ये पहला जो मॉडल है ये सिंगल चैम्बर में है। जो लोग घरेलू अगर हम बात करें आटा या मसाला पीसना है तो 3 HP वाला मॉडल है। इसमें सिंगल फेस की कॉपर वाइंडिंग मोटर लगी हुई है, वही फीचर है, MCB है, एम्पियर मीटर लगा हुआ है। इसकी अगर प्रोडक्शन की बात करें तो 30 से लेकर 35 KG प्रति घंटे की प्रोडक्शन आती है इस मॉडल की। इसकी कीमत है 30,500 रुपया। इसके लिए आपको 5,000 कंपनी के करंट अकाउंट में एडवांस डालना है। 3 HP में भी अब कई कस्टमर्स की हमें रिक्वायरमेंट आती थी, खास करके जिन्होंने मैदे का काम करना है, तो मैदे के लिए हमने ये यहाँ पे ध्यान से आप देखिए डबल चैम्बर मॉडल निकाला है। इसका जो चैम्बर है आप देख सकते हैं नॉर्मल चक्की से बड़ा चैम्बर है, इसमें डबल चैम्बर है। ये स्पेशली जिन्होंने मैदे का काम करना है ये उनके लिए मॉडल है। जो ये डबल चैम्बर में है इसमें भी वही फीचर है, MCB है, एम्पियर मीटर है, प्रोडक्शन इसकी भी 30 से 35 KG है, सिंगल फेस पे है। इसकी कीमत है 40,000 रुपया। इसको एडवांस 5,000 रुपया रखा गया है। सर इनकी गेला कुछ साथ में फ्री भी आवा है? बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने मुझे वीडियो से स्टार्टिंग में कहा नॉर्मल हम चक्की के साथ 3 जालियां देते हैं, लेकिन आपके मैं वादा करता हूँ जो भी मुझे किसान भाई या दोस्त आपकी चैनल का स्क्रीनशॉट भेजेगा उसको मैं टोटल कोई भी मशीन ऑर्डर करेगा तो टोटल 6 जालियां मैं साथ में दूंगा। तो जालियां का क्या चक्कर है सर? मैम हर एक मशीन की जाली का साइज होता है, ये जैसे सेट होता है जाली का, एक बारीक है सर उसका थोड़ी मोटी है। बिल्कुल जी, ये सबसे मोटी है जी। आटे के लिए अलग होगी, मसाले के लिए और दलिये के लिए अलग होगी। लगेगी कड़ा सर? तो ये जाली लगाने का बहुत सिंपल सा है, किसी भी मॉडल पे आपने करना है ये खोल के यहाँ पे ये आसानी से ये जाली लग जाएगी। अगर आपने आटा निकालना है तो सबसे बारीक जाली डालनी है, मोटे मसाले के लिए अलग है, दलिये के लिए अलग है, जो भी जाली डालनी है यहाँ पे आपने डाल के अपना काम कर लेना है। तो यहाँ से फिर उसी प्रकार का चलेगा? बिल्कुल जी। और बात अगर लाइट की करें तो सर लाइट ठीक ठाक खावा ज्यादा खावा? मैम लाइट की अगर बात करें 1 HP वाला 1 यूनिट के करीब बिजली कंज्यूम करेगा, जो 2 HP वाला है वो 2 से लेकर 2.5 यूनिट कंज्यूम करता है, 3 HP वाले की 3 यूनिट प्रति घंटे की कंजप्शन है। ये सारे जो मॉडल्स हैं डोमेस्टिक काम के लिए हैं, घरेलू काम के लिए हैं, घरेलू बिजली पे चलते हैं। और सर ये बड़े वाली? मैम ये जो मॉडल आ जाता है, अब कई मेरे जो करियाने के दुकान वाले हैं या जो मेरे भाई अपना खुद का रोजगार बनाना चाहते हैं उनके लिए हमने तैयार किया है। ये मॉडल भी हमने सिंगल फेस बिजली पे लगाया है, 5 HP की कॉपर वाइंडिंग मोटर है, इसमें भी वही MCB एम्पियर मीटर लगा हुआ है। इसके साथ भी जैसे कि आपको बताया जो आपका स्क्रीनशॉट भेजेगा 3 जाली तो है, 3 में साथ में फ्री में दूंगा। ये जो मॉडल है उसकी कीमत है 50,000 रुपया। इसके लिए आपको 10,000 रुपया एडवांस कंपनी के अकाउंट में डालना है। तो
मतलब इसकी कीमत 50,000 है सर जी। तो मतलब आपने पता होगा आज के टाइम में बेरोजगारी भरी पड़ी है, घनी है, तो मतलब अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सका है, अपना घर का काम, घर का। और एक बात बता दूं, नौकरी नौकरी और घर का बिजनेस हुआ है वो अलग चीज़ हुआ है। बिल्कुल। तो सर देखो, आपने बता तो दी इसके बारे में सारी बात, लेकिन सर वह बात है आख्या देखी विश्वास होगा। बिल्कुल मैम, आपने बहुत बढ़िया बात की। इसी के लिए ये साहब आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अलग अलग किस्म के अनाज, गेहूँ रखा हुआ है, धनिया है, मक्का है, दाल है, काले चने हैं, बाजरा है, हल्दी है, दालचीनी है, लाल मिर्ची है, इन सभी का मैं लाइव डेमो इन मशीन के साथ आपको करके अभी दिखाऊंगा। हाँ बिल्कुल दिखाओ सर, क्योंकि जब हम अपने आँखें देखेंगे, जब हमारे दर्शक मानेंगे, हमारे दर्शक दिखेगा पैसा लग रहा है, तो जब बाज बाज का आवेंगे। बिल्कुल जी, आइए मैं आपको इन सभी का लाइव डेमो करके दिखा। लाइव डेमो देखते हैं। तो सर यह बिजली में लगा दी हुए जी? ये मैंने बिजली में लगा दिया है इसका स्विच। तो फिर यह तो गाने भी गाना लग रही सर। मैम ये जो ट्यून है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें सेंसर सिस्टम है, जब तक ये चक्की के हॉपर खाली है तब तक ये ट्यून चलेगी। अभी आप अपनी तरफ से इसमें ये गेहूं डालिए तो अपने आप ये बंद हो जाएगी। ये देखिए, गाने गाने बंद हो गए सर। बिल्कुल जी, जैसे ही इसकी चक्की चलेगी तो ये अनाज पिसाइनी शुरू हो गया है और जो इसका म्यूजिक है वो बंद हो गया है। ये गेहूं डल गए इसमें। तो एक चीज और, आपने मतलब गेलिया म्यूजिक सुनाने वाली चक्की नहीं पाओगी, तो गेला म्यूजिक भी सुना हुआ है जी भी लगा रहेगा। तो सर ये पेसरी है तो खाली होते फिर म्यूजिक चलना शुरू हो जाएगा? नहीं, जब ये म्यूजिक तभी चलेगा जब ये खाली होगा जी। जब ये खाली हो जाएगा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाना है। बेरा पड़ जाएगा, खाली होगी। बिल्कुल जी। तो सर एक बार नीचे दिखाओ के। अच्छा, जो सेकंड सेफ्टी फीचर है, अभी ये आप देख रहे हैं चक्की चल रही है, जैसे ही मैं दरवाजा खोलूंगा चक्की बंद हो जाएगी। जब तक चलेगी, जब तक दरवाजा बंद। बिल्कुल जी, अगर चलते हुए मान लो मैंने या किसी बच्चे ने ये खोल दिया तो ये ऑटोमेटिकली इसका सेफ्टी फीचर है, इसमें लगाया गया है। अब जैसे ही हम ये बंद करेंगे तो अपने आप चक्की चलना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक सारा। बिल्कुल जी। दिमाग अपनी जो पुरानी चक्की है ना, उनमें एक जो मोटा चून पीसना हो या फिर मियां पीसना हो, बिल्कुल एक दाब लगाया करें। इसमें वो सिस्टम नहीं है, इसमें जो जाली है, अगर बारीक के लिए बारीक जाली है, जितना मोटा निकालना उतनी मोटी जाली डालनी है आपको। नहीं, इसमें वो जाली सिस्टम, जाली लगाओ और वैसा निकलेगा। बिल्कुल मैम, मतलब मियां चून पीसना हो या मोटा पीसना हो, दलिया पीसना हो, तो उसके हिसाब से जाली के हिसाब से पीसेगा, वो सिस्टम भी खत्म है। तो यो जाली पिसवा, जाली लगाना भी आपने दिखाई थी, आसान सा तरीका है, कोई मुश्किल बात को ना है। एक बार चून देख लेवा सर की सर पिसया। बिल्कुल मैम, ये बस कोई लाइन या प्लेट फाल लो तो आगे शर्मा। ये देखो दोस्तों, अभी मैंने थोड़ी सी इसमें गेहूं डाला था, अब आप इसके आटे की क्वालिटी देखिए कैसे निकलेगा। बिल्कुल मैम, नॉर्मली जैसे हम बाजार से जो आटा लेते हैं बिल्कुल बारीक क्वालिटी का जो आटा है वैसा ही आटा इसमें निकाला। बिल्कुल, मतलब जो मैदा होया करे, मैदा तो बहुत बारीक हुआ है, तो मतलब मैदे जैसा बिल्कुल कति न्यू का न्यू, और ना इसमें दाब वाला सिस्टम मोटी करनी है पतली करनी है। एक सर वो भी होया करे, आपने देखा होगा पुरानी चाकिया में है ना, गला फालतू खुल जा इसमें, वो तभी ये सेंसर सिस्टम लगा है कि जितना इसमें अनाज जाना है उतना ही जाएगा इसमें। क्योंकि उसमें बेरा क्यों सर, जब ज्यादा क्यों मान लग जाना, चक्की दब जाए तो चक्की जब दबेगी इसमें, तभी ये सेफ्टी फीचर लगाया गया है कि इसमें कोई इसमें वो चीज नहीं आएगी। तो मतलब सच्चे में बहुत बढ़िया चीज है, और आटा भी आपने देख लिया और म्यूजिक भी खेल सुना, और इस्ते फालतू के लोगे चक्की पत्थर के पार्ट हुआ है वे पीसे हैं। मैम जो पत्थर वाली चक्कियां पहले चलती थी पुराने जमाने में, आजकल आपको पता है हर एक घर में पत्थरी की दिक्कत हर एक जगह आ रही है, तो डॉक्टर कहते हैं कि वो जो पत्थर हैं उनकी पिसाई की वजह से है, तो इसलिए जो इसमें है हमने कोई भी पत्थर नहीं लगाया है, अकेला जो स्टेनलेस स्टील के ब्लेड लगे हुए हैं ये दाने को फोड़ के उसको आटा बनाते हैं, ये ना तो उसका तापमान बढ़ाएंगे और जो उसके कॉन्टेंट हैं जो प्रोटीन न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं वो बीच में बरकरार रहेंगी अनाज में। ऊपर तो स्टील की है सर, जर भी लगा, ऊपर भी स्टील है और नीचे भी स्टील लगा हुआ है सर। एक ये और अड़पहिये डाल रखे हैं, ये किस काम आवा है? मैम ये जो वुडन चक्की है ये इसके नीचे पहिये लग जाते हैं ताकि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके जा सके, कहीं पे भी आसानी से लेके जा सकते हैं। प्लस इसके साथ में हम आपको एक कवर भी साथ में देते हैं सर, इसका ये एक कवर आता है कपड़े का, जब आपने चक्की को यूज नहीं करना है तो इसको आसानी से ढक के आप कहीं पे भी संभाल सकते हैं, मिट्टी ना लगे। बिल्कुल जी। अच्छा सर, बात चाकी की होगी, सारी चीज होगी देख ली, लेकिन सर जो पहले चाकी होया करती उनके तो मिस्त्री काम में पा जाया करते, रा भी जाया करते और भी काम कर जाया करते, तो इसका क्यों करके जुगाड़ होगा? मैम इसमें खराब होने वाली कोई चीज नहीं है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, दोबारा खोल के दिखा देता हूँ, जो ये हॉपर है अकेला इसमें ये ब्लेड लगा हुआ है, ये ब्लेड ही है जिन्होंने इसकी अनाज की पिसाई करनी है। जो ये ब्लेड्स की लाइफ है, नॉर्मली जो हमारी एक्सपेक्टेड लाइफ है 5 से लेके 7 साल की लाइफ है, उसके बाद आप इसके दांते भी निकलवा सकते हो खराब से, नया ब्लेड लेना चाहो तो नया ब्लेड में मिल जाएगा आपको।
गारंटी गारंटी सर। मैम कोई भी प्रोडक्ट हम देते हैं तो हम अपने किसान भाइयों को 12 महीने यानी कि एक साल की वारंटी हम साथ में देते हैं जी। अच्छा सर, ये तो होगी डिब्बे वाली, ये जो अलमारी वाली, और ये जो लगातार लाइन में है मैम, इसमें जैसे मैंने आपको अभी गेहूं पीस के दिखाया है, अगली में मैं आपको जो आप कहें मसाला हल्दी जो आप कहें वो मैं पीस के दिखा देता हूं। हल्दी पीस के दिखा दो सर जी। आइए अगली में मैं आपको हल्दी पीस के दिखाता हूं। तो डालो सर हल्दी पीस के दिखा दो। देखिए ये जो हल्दी है कितनी मोटी गांठें हैं इसकी। अब मैं आपको इसमें ये जो हल्दी है वो पीस के दिखाता हूं। हल्दी की बहुत बढ़िया खुशबू आने लग रही है जी। तो एक बार देखेंगे किसी को पिसी है कितनी बारीक पिसा है, तो एक बार दिखाओ। खुशबू बहुत बढ़िया आने लग रही है हल्दी की। अच्छा, जो ये स्टील बॉडी चक्कीज है मैम, इनका जो ये हॉपर है इसमें हमने जो भी मोटा मसाला है, हल्दी है, लाल मिर्च है, दालचीनी है, वो यहाँ से पिसाई होगी। अनाज के लिए हमें यहीं से डालना है। ये अलग अलग सिस्टम है। बिल्कुल मैम, मोटी चीज यहाँ पर अनाज अनाज यहाँ से जाएगा। ठीक है, ताकि उससे चक्की की तरियाड़े तक जाओगे। जो इस होती है तो ये देखियो, और ये पीस भी घनी है दी। ये देखियो बिल्कुल बारीक है, देखो गरकी हल्दी, मतलब बाहर तो जोड़ दिया हो ना, कुछ भी मिलावट करके दे दें हैं, पर या मतलब गरा पिसी हुई गांठ लेकर जोड़ दी, गांठ हुआ है उस पर पिसी गई है, और थोड़ी सी गांठ हमें नरी पिस गई है। तो इसमें आराम तय, आप हल्दी भी पीस सको हो, गरम मसाले भी, क्योंकि पिसको और के मसाले पिसे सर। मैम किसी भी किस्म का दालचीनी है, लाल मिर्च है, धनिया है, काली मिर्च है, इलायची है, लौंग है, सूखा कोई भी अनाज या मसाला इससे हम पिसाई हो सकती है। मोटा मसाला हो कितना भी मोटा, हल्दी से मोटा तो कोई मसाला नहीं होता मैम। हल्दी गांठ से सब तो मोटी है, वो भी आसानी से आपके सामने आंखों के सामने पिसाई हो गई है इससे। काम तो ये सारी बराबर करती होंगी, सारी बराबर करती हैं। अब मैं आपको जो डबल चैम्बर वाला है उसमें अगर आपको हो तो आपको दालचीनी उसमें पीस के दिखा देता हूँ। दिखा दो सर ने काम, तो इसमें दालचीनी पीस के दिखाऊंगा। ये देखिए जी, जो दालचीनी है लकड़ी जी शियो है, देखने में अपने दिखने लग रही होगी, इसमें जड़ दो। मतलब इनका गला इतना मोटा सर, चाहे कितना मोटा मसाला डाल दो। बिल्कुल मैम, जितना भी मोटा मसाला है वो आसानी, यहाँ से आप देख सकते हैं दालचीनी की खुशबू भी आ रही है। बिल्कुल आ रही है। तो अभी मैं आपको जो दालचीनी की क्वालिटी है वो दिखाता हूँ, किस क्वालिटी की दालचीनी आई है। ये देखिए जी, बिल्कुल बारीक है सर, मैदे जैसी बारीक दालचीनी इसने, एक ही कुछ ही सेकंडों में ये आपके सामने पीस के तैयार है। और देखो गरके मसाले की केरी शो है, तो गरम मसाले ले आके साबते कुकर पीस सको। पर सर एक तो चीज़ है, वो तो छोटी ही जंगा में सारी मौज कर रखी है। देखने में ये मशीनें छोटी लगती हैं लेकिन काम इतना मजेदार करती हैं कि आपको खुद मजा आ जाएगा। देखो ना सर, थोड़ी जंगा मरमोज कर रखी है। बिल्कुल जी बिल्कुल, सारी चीजें की मसाले भी पीस देगी, गेहूँ भी पीस देगी, वो भी पीस देगी, एक ही मशीन से आप अनेकों काम कर सकते हैं। थोड़ी जंगा में मौज कर दी, सही बात है जी। और वो भी जंगा थोड़ी लेगी सर, बिल्कुल छोटा घर उसमें भी जंगा थोड़ी, उसमें भी आसानी से आ जाएगी। कोई न्यू कोने बड़े चाकी गंडा से इतनी घनी जंगा ले हुई, बिल्कुल जी, तो ये छोटी जंगा में आ जाएगी। तो सर एक ही और चीज, कुछ जाली जुड़ी है, ये जाली जुड़ी टूट टट जाए तो फिर ये पार्ट मिल जाएंगे। मैम पहली बात तो जो जालियां भी हैं आप ध्यान से देखिए, ये स्टेनलेस स्टील की जालियां हैं, इनके साइड पे बॉर्डर लगा हुआ है, जालियां नहीं टूटेंगी। अगर 2-2.5 साल 3 साल बाद जाके आपको जालियों की भी रिक्वायरमेंट आती है तो हमारे कंपनी के दिए गए नंबर्स पे कॉल करके ये जालियां भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, मतलब कोई दिक्कत आने वाली बात को नहीं। बिल्कुल जी, किसी भी किस्म का कभी भी स्पेयर पार्ट चाहिए तो हमारी कंपनी में हर समय आपको मौजूद मिलेगा। तो आपने देख ली सारी चाकी लगातार दरी है, एक तो म्यूजिक सुनाने वाली भी चाकी है गिल्ला, और बाकी चार भी देख ली है, वाह उस तो बड्डी है, वाह उस तो बड्डी है, वाह की माँ, वाह की माँ। तो ये देखना अगर हो आप, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं है। तो आप किसी भी टाइम ऑर्डर करके जो स्क्रीन पर नंबर दे दिया है मंगवा सको हो, और सर ने जो बात बताई किसी सर की बात लगी, और जो मसाला पीसी हल्दी पीसी सारी चीज़ किसी लगी, मैंने तो बहुत अच्छी लगी, बाकी हल्दी की खुशबू भी आओ हाथा में। तो घर के मसाले की रिस नारी ओवर, जब तक खाना बढ़िया नहीं होगा तब की फायदा क्यों सर जी। बिल्कुल जी, हम कमाते खाने के लिए। हाँ बिल्कुल जी, खाने के लिए कमाया जाता है, जब तक पेट नहीं भरेगा तो क्या फायदा। और पेट भी सर एक तो
अगाड़ कबाड़ खा कर बनाया, एक अच्छी चीज़, एक अच्छी और स्वस्थ चीज़ खा के हो गए थे बिल्कुल। तो घर के मसाले पीस पीस कर बढ़िया बढ़िया खाना खाओ और हमारे साथ बने रहो, फिर मिलेंगे। जय हिंद।